हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं होंगे। सॉरी, और अभी सुबह हो रही है, नहा धो के मेरा सारा काम हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ। बिल्कुल रेडी हूँ मैं अभी, मुझे कहीं जाना है और मैं जहाँ जा रही हूँ आप लोगों को लेके चल रही हूँ। किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, किसी के घर जा रही हूँ, और जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ आप लोग मेरे साथ ही चलने वाले हैं। तो अभी लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए मैं कुछ घर से ही कुछ बना के ले जा रही हूँ उनके लिए, तो क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बना, जब जा ही रही हूँ तो कुछ बना के ले चलती हूँ। तो फिलहाल मैं किचन में चलती हूँ, सारी तैयारी मैंने नहाने से पहले कर दी थी, मतलब कटिंग वटिंग का जितना भी काम था, बस अब सब्जी मुझे छौंकनी है। तो अभी चलते हैं किचन में और चल के खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। कढ़ाई रख दी है और इसमें हो गया तेल गरम, और इसमें मैंने ये प्याज काटनी है, लच्छे वाले प्याज, और ये काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये थोड़ी सी फ्राई होंगे, उसके बाद में डाल देंगे टमाटर। ये भी मैंने रफली चॉप किए हैं, कोई इतना नहीं कि मतलब बारीक बारीक करें, और इनको भी डाल देंगे। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, मेरे पास थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम हैं, तो इनको भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद में जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते और हमारे मतलब प्याज वगैरह अच्छे से नहीं भुन जाते, तो इसको हमें फाइनली अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद देखिए अब ये भून चुका है, तो मैंने इसको एक प्लेट में खाली कर लेना है। इसके बाद में मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, और मैंने सेम कढ़ाई उसी को वॉश करके ले लिया है। इसमें मैंने ये थोड़े से प्याज, एक छोटा सा प्याज मैंने अलग कुछ इस तरह से काटा है, थोड़ी सी शिमला मिर्च काट ली, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और इन दोनों को फ्राई करके इनको भी फ्राई कर लेंगे हम, मतलब फ्राई करने के बाद में इनको मैं एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी। और इसी में जितना भी तेल बचा हुआ है ना, मतलब इसी तेल में मैं क्या करूँगी, मैं पनीर के जो पीसेस मैंने काटे हैं मैं वो भी फ्राई कर लूँगी। इनको भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है कि बिल्कुल ज़्यादा जला देना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसी ऑयल में मैं क्या करूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, और लाल मिर्च के बाद में अपना इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने वो टमाटर प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको मैंने पीस के, कुछ इस तरह से हमारी ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो उसको हम इसमें डालेंगे। और ये मैंने डाला इसमें, ये है मेरे पास ना भुना हुआ जीरा, और इसमें साथ में है थोड़ी सी काली मिर्च, और ये दोनों चीज़ें मैंने पीस के भून के और पीस के रख रखी हैं, तो वो डाल दिया। और ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो इसमें हमने पानी डाल लिया है, और उसके बाद में जैसे एक उबाल आता है तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर अपना काट के और भून के रखा हुआ था ना, तल के पनीर। और ये देखिए हमारी सब्जी बन के हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल रेडी। हम लोग निकल रहे हैं, और मैं ये बांध लूँगी ना फेस पे, ताकि बाइक पे जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है ना, तो वो नहीं आएगी। सब्जी मैंने बनाने पीछे ये रेडी हो रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, बस ये और मैं ही जा रहे हैं, तो मैं इसको बांध लेती हूँ और चलते हैं। जहाँ पे मुझे आना था, मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, तो ये देखिए हम किससे मिलने आए हैं यहाँ पे। हेलो पाकी फैमिली व्लॉग, हम इनसे मिलने आज आए हैं, और इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, नासाज है। तबीयत थोड़ी सी नासाज है। हाँ, तबीयत नासाज है, नासाज सुबह ही वो हो गया, थोड़ा बीपी सुबह ही हाई हो गया था। हाँ, फिर भी देखो हमारे लिए बैठी है और क्या, इतनी देर से अभी हमने चाय नाश्ता सब कर लिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा विचलित हो गए थे, घर वर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना तो पहले ही आ जाते। हाँ, वैसे तो पास में ही है, इतना दूर है नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, हम दूसरी जगह पहुंच गए और बस वहां से इतना परेशान हो गए। हाँ, वही ना, फिर तो ये भी अच्छा हुआ ऊपर काम कर रहे थे ना, तो पता भी चल गया फोन वोन उठ के ना कि हाँ, दूसरे गाँव में, वरना पता नहीं कितने टाइम तक फिर ऐसे ही परेशान रहते वहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है प्रिया से मिलके, इतने टाइम बाद मिले हम, मतलब वहीं पे थे जब तो ऐसा वो था भी नहीं, पर ये है कि चलो इन्होंने चैनल स्टार्ट करा। हाँ, शुरू करा, कुछ सब कुछ तुम्हारी देन है। नहीं, और आप लोग भी इनको सपोर्ट करो, और देखिए बहुत ही मेहनत कर रही हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी मेहनत करे उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से सबसे बोलूंगी कि प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इनको सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हम सभी, कोई भी यूट्यूबर है, सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है, बट इनको भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपके प्यार साथ सपोर्ट की।
तो आप लोग प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारी आंटी जी बैठी हुई है यहाँ पे, और ये हमारे भैया। आंटी हाय कर दो। हाय। ये प्रिया जी की सासू माँ है। और ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, वकील साहब। वकील साहब नहाए नहीं है, देखो खुद ही बता रहे हैं कि नहाए नहीं है। ये सत्यवादी बिल्कुल। भैया ने, अरे भैया ने होगा कोई देख के कहीं ना पहचान जाए, मैं खुद ही बोल दूं अपने मुंह से। पता ही ना तो बोल देता हूँ, नहाए नहीं। भैया मैंने भी बोला अपनी वीडियो में, मैंने भी बोला कि मैं नहाई नहीं थी, मैंने बोल दिया। क्या बात है, सच बोलने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल ना। आंटी जी आपकी बहू तो बहुत अच्छी, आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। कभी जवाब नहीं दिया आपको आज तक? अच्छा जी, और देख लो यूट्यूब पे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये तो है, जो देखा है जैसा वो है वैसे चीजें बोल रहे हैं। एक दिन आंटी जी को बढ़िया से सबके इनको बिठा के ना सबके जवाब दिलवाओ। अब मैं बोल रही ना, अगर मम्मी खुद से भी कुछ अपनी तरफ से भी बोल लेंगी तो वो चीज लगेगी कि लोगों को ये कह रही है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो। बिल्कुल, अपने मन से कितना भी मेरा वो कर, अभी बुराई करने लगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है। सास तारीफ कर देगी बहू की तो वो हजम नहीं, वो हजम नहीं होगी। ये तो सही कह रहे हो, लोग कितनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको बताऊं कि जैसे लोग कितना कुछ बोलते हैं यहाँ पे, नेगेटिविटी कितनी ज्यादा फैलाते हैं। भाई मैं यहाँ बैठी हूँ घर में, पता नहीं जो लोग बोलते हैं उनको ये तो पता नहीं होता वो किन के घर में आके रहते हैं या देखते हैं। मैं मेरठ में भी हम लोग साथ में रहे हैं, तब हमने इंसान का बिहेव देखो, एक दिन चेंज करेगा वो, दो दिन करेगा, जो एक साल रहा है वो अपना बिहेव कैसे चेंज कर लेगा। तो हमने तो वहां भी नेचर देखा है, कोई कहता घमंडी है ना, घमंडी है, कितना कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं। और आपके उनके सिस्टर इन लॉ के बारे में भी कितना, वो भी यहीं पे हैं। वो भी देखो जो ज्योति विलेज ब्लॉगर ज्योति हैं, वो भी यहीं पे। और मैं देख रही हूँ कि नंद भाभी का क्या रिश्ता है, और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मतलब यूट्यूब पे आ जाओ ना तो इंसान सोचता है उन्हें कुछ भी कहने का राइट बन जाता है किसी को भी। तभी मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, वो भी यहीं पे हैं। तो भैया आपको तो बड़ा प्राउड होगा प्रिया के ऊपर, है ना। और देखो बल्कि प्रिया आपकी इतनी तारीफ करती है, है ना। मतलब देख लो, ये है, ये ऐसे एक कपल है, वो प्रिया की तरफ से ज्यादा तारीफ और ये उनकी तारीफ। इसे कहते हैं लव बर्ड, सच्चाई है ये। पब्लिसिटी गेन करने नहीं है ना, यूट्यूब पे कोई क्या बोलता है, लो हजार गाली मुझे दो, मुझे नहीं। बिल्कुल हाँ, मैंने भी बताया कितने लोग वीडियो बनाते हैं, मेरे लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, घटिया आदमी को इतनी वेटेज क्यों देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो लगे कि भाई वो सामने वाले की सोच है, सबकी सोच है। देखो कहते हैं ना, जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही बात करता, कोई भी इंसान अपनी सोच से ज्यादा बात कर ही नहीं सकता। तो ये देख लिया, हमारे सामने बैठी हैं विलेज ब्लॉगर ज्योति जी, हेलो करो। ये हमारे साथ विलेज ब्लॉगर ज्योति जी और पाकी फैमिली ब्लॉग है, ये उनकी नंद है। और मैं आपको बताऊं लोग कितनी ज्यादा नेगेटिव है, ये देखो दोनों नंद भाभी और पीछे सासू माँ सब एक साथ बैठे हैं, और कितना ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे जो माहौल है ना, वो मैं यहाँ बैठी हूँ घर में आई हूँ तो मैं देख सकती हूँ। सच में ये वीडियो तो उन लोगों के पास जानी चाहिए जो लोग बोलते हैं। भाई आप बताइए आपके बारे में लोग कितना कुछ बोलते हैं आपके बारे में, इनके नंद भाभी का और कैसा रिश्ता होता है। लोगों का काम बोलने का, लोगों का काम। अब हमने ये सोच लिया, अब हम अपने रिश्ते को जताने के लिए, अब जो हम कोई फायदा भी नहीं है, है ना। पता है लोग ना वही समझते हैं जो उनको समझना चाहते हैं। अपनी मर्जी बात अगर मुंह से निकल गई तो उसका इतना बड़ा ड्रामा बना देते हैं, ड्रामा बना देते हैं। ये तो हमें पता है कि भाई हमारा रिश्ता क्या है, हमारी नॉर्मल भाषा है, हमारा तो बोलने का तरीका ऐसा है। एक बार को लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, कहेंगे भी, सबके घर ऐसा कोई फैमिली है जिसमें नहीं होती, सबके बीच में लड़ाई होती है। ऐसा तो कोई भी फैमिली जिसमें लड़ाई नहीं होती है, नहीं नहीं बिल्कुल। भाई एक बताओ, एक बर्तन अकेला रख दो तो कोई लड़ाई ना आवाज ना कुछ, तब अकेला तो कोई रहेगा नहीं। एक बार ऐसा बेटे को हमें भी आ रहा, एक बार ऐसा हमारे बच्चों को भी आ रहा। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा नहीं जाना जी। हाँ जी, जब तो घर का काम चलता है। बिल्कुल चलता है, नहीं जब इतने लोग होंगे तो घूंगे बन के थोड़ा रहेंगे। और बाकी रिश्ते तो मैं तो कह रही, ऐसी कौन सी नंद भाभी होगी या कौन जिसके बीच में कोई बात नहीं होती है। माँ बेटी की नहीं होती, कितनी बेटी हो, कभी गुस्सा है, नाराजगी है, ये अपने घर चली जाएगी, करेंगे तो ये। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी। देखो
छोटी सी बात का मुद्दा बना ला, हमें पता हमारी पप्पी क्या करे क्या नहीं कर। सही बात है, नहीं देखो लोग ना कैसे बोलते हैं, बना ले पर अगले की वो नहीं देखते उसने कितना कितना करा ये क्या कर रहे पीछे कर रहे वो सब चीज हम दिखावे तो भी इनको दिखावे तभी दिखावे भाई। तो नहीं देते ना वैसे अगर ये मतलब चाहे मम्मी हो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल देगी अरे सिखा के बैठा दे, तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल देगी सिखा दी आदमी तो आम हमारी भाषा प्याज लड़ाई है हम प्याज ना तो भी लड़ेंगे लड़ेंगे हमारे हमारी भाषा ही आम है। अरे पता है जब मैं जैसे जानती नहीं बहुत मुझे डर लगता था उनकी लैंग्वेज से ही। और मैं बताऊँ अब जितने जाट है ना जितने मेरे क्लोज है ज्यादातर लोग वो जाट ही है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जाट ये जो कास्ट है ना ये बहुत हेल्पिंग होती है। मैंने मतलब जीदार होते हैं बिल्कुल उनका जो बोल देखो तो ऐसा जो कितने लड़े देखा मैंने कहा मुझे ऐसा लगा सीमांता वाले हाँ। नहीं मैंने सच में खुद एक्सपीरियंस करी है ये बात मतलब इतने हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं तो नहीं तो अब पंजाबी लोग वो भी अच्छे होते हैं लेकिन जाटों मैंने सच में खुद एक्सपीरियंस करा है जिससे बहुत देर हो गई हम लोगों ने खूब सारी बातें कर ली हैं और खाना पीना हो गया सब चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है और बस अभी हम चलते हैं। आंटी जी जा रहे हैं अब हम बाय कर दो आप सबको। ज्योति जी आप भी और ये हमारे भैया अंकल जी हैं ये प्रिया जी के ससुर जी हैं और ये भैया बस अब हम चलते हैं यहाँ से पहुँचते अपने घर बाय। तो अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे अपने घर की तरफ और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करना। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।